आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस डायग्राम पे देखता दिखाई दिख रहा होगा, ये गैस्ट्रिनोमा के कारण होता है। गैस्ट्रिनोमा क्या है? मोस्ट कॉमन फंक्शनल पैनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। ठीक है, और ये ओनली 25% में होता है पैनक्रियास की। ठीक है, अब इसके बात करें तो सबसे पहले देखो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि डूडेनल जो है गैस्ट्रिनोमास आर, ये क्या होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है और ऑफ ये मल्टीपल मेटासाइज्ड होता है लीवर पे। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस डायग्राम पे शो हो रहा होगा कि गैस्ट्रिनोमा होता है जो गैस्ट्रेटाइटिस इंक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होता है पैराइटल सेल का हाइपरप्लेसिया हो जाता है। हाइपरप्लेसिया होने के कारण HCL ज़्यादा सिक्रेट होता है। HCL ज़्यादा सिक्रेट होने के कारण क्या होता है, डूडेनल का अल्सर हो जाता है। दूसरे तरफ देखें तो एंटेरोक्रोमिफिन लाइक सेल्स जो है हिस्टामिन रिलीज करती हैं, और ये हिस्टामिन क्या करते हैं, पैराइटल सेल को और स्टिमुलेट करते हैं HCL सिक्रेट करने को। तो इस प्रकार से जो होता है कि HCL, अब HCL में देखो जो क्लोरीन है Cl-, ये ज़्यादा सिक्रेट होने के कारण क्या होता है, डायरिया होता है। ठीक है, तो ये डायरिया होता है, और एक होता है ऑस्मेटिक डायरिया। ये दोनों प्रकार के डायरिया देखने को हमको मिलते हैं। इसके अलावा देख सकते हो गैस्ट्रिनोमा के कारण क्या होता है, वैसो इंटेस्टाइन पेप्टाइड भी सिक्रेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, सिक्रेटरी डायरिया हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिनोमा के कारण वैसो इंटेस्टाइन पेप्टाइड ज़्यादा सिक्रेट होने के कारण क्या होता है, सिक्रेटरी डायरिया हो जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये हमने देखे इसका ना, उसके अलावा जो पेप्टिक डिसीज़ होगी कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगा डूडेनल में, गैस्ट्रिक अल्सर में मल्टीपल जगह। इसके अलावा डायरिया बताया मैंने, स्टेरिया हो जाएगा, गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा। पैनक्रियास की जो आइसोलेट लीसन है वो वेट लॉस करेंगी, पैनक्रियाटिक एंजाइम इनएक्टिवेशन हो जाएंगे। हाफ ऑफ द गैस्ट्रिनोमा आर द लोकली इन्वेसिव होता है और ऑलरेडी मेटासाइज्ड हो जाता है टाइम ऑफ द डायग्नोसिस के पहले। लैब फाइंडिंग में क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवल चेक करेंगे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, गैस्ट्रिक पीएच देखेंगे। इसके अलावा जो एब्डोमिनल पेन होता है 75% केस में, और क्रॉनिक डायरिया भी होता है। इसके अलावा नियरली हाफ ऑफ द पेशेंट में क्या होता है, हार्ट बर्न की समस्या आती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स देखने को मिलता है, वेट लॉस होता है 15-20%। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं गैस्ट्रिनोमा का, या फिर कंट्रोल कर सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देके, जैसे कि पेशेंट विद द जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में शुड बी स्टार्टेड ऑन द हाई डोज ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमाप्राजोल 60 mg दे सकते हैं डेली। इंसुलिनोमा में क्या होगा कि कैरेक्टराइज्ड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन हो जाएगा, सी पेप्टाइड इंक्रीज हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएगा एमालॉइड बॉडी का हिस्टोलॉजी में अगर हम उसको देखेंगे तो। और इंसुलिनोमा में क्या होगा, एसोसिएटेड विद द विपल ट्रायड में देखेंगे एपिसोडिक हाइपर इंसुलिनोमा देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और हाइपोग्लाइसिमिक CNS डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे इसमें देखने को मिलेगा, ग्लाइकोनोमा वगैरह। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।